खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अंधेरी पश्चिम विधानसभा सीट से AIMIM के उम्मीदवार आरिफ शेख की लोकप्रियता लगातार बढ़ती ही जा रही है। AIMI के कार्यकर्ता भी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आखिर AIMIM के कार्यकर्ताओं ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। संताक्रूज पश्चिम स्थित तलत नगर के AIM कार्यकर्ता आसिफ तनवर और रफत हुसैन ने गर्मजोशी के साथ अपने उम्मीदवार आरिफ शेख का स्वागत किया और स्थानीय जनता के बीच उम्मीदवार को लेकर गए, जहां लोगों ने भी अपना भरोसा आरिफ को दिखाया। तो आइए आपको ले चलते हैं यहां कैंडिडेट आरिफ शेख और आसिफ तनवर का क्या कुछ कहना है। हमारे दौलत नगर के तमाम भाई और बहन का, हमारे रफत भाई, आसिफ भाई, आलम भाई, मुजीब भाई और सब मेरी माँ बहनें जो यहाँ पर आई हुई है, ये सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना जोरदार स्वागत किया। इसके अलावा चुनाव की अगर बात करें तो किस तरह से तैयारियाँ चल रही है, क्या क्या मुद्दे लेकर चल रहे हैं आप? तैयारियाँ तो जीत की चल रही है, इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की सीट निकले, बस अल्लाह कबूल करें। और तैयारियाँ और जो लोगों के काम है तो आप लोग को बता दूं कि अमित साटम और अशोक यादव, ये सामने जो दो कैंडिडेट हैं, तो कांग्रेस का तो यहाँ पर कोई कंपटीशन ही नहीं है। रही बात अमित साटम की, तो उसने यहाँ पर गरीबों को इतना परेशान करके रखा हुआ है, तो मैं नहीं समझता कि कोई गरीब उसको वोट दे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। रोडों के धंधे को उठाना, हॉकर लोगों को भगाना, उनको परेशान करना, मुस्लिम इलाके में जाकर काम नहीं करना, ये सब काम अमित साटम करता है। हमेशा इंशाल्लाह साथ में रहेंगे और हम लोग साथ मिलकर अल्लाह ने चाहा तो दौलत नगर में बहुत काम करेंगे। मुकाबला किससे है आपका? मुकाबला तो जो है वो समझना अमित साटम BJP के उससे है और 21 तारीख को इंशाल्लाह उसको भी जवाब मिल जाएगा इसका। आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? 21 तारीख को बहुत कम टाइम है। बस देखिए, आवाम को यही मैसेज देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप लोग को जो है MIM का सपोर्ट करना है। हमारी निशानी जो है वो पतंग है और मैं आपको ये बोलना चाहूँगा क्या इस बार जो है आप लोग को आके कोई भी भड़का है भड़का है, लेकिन आप लोग के जहन में सिर्फ एक ही बात होना चाहिए, हमको इनसे बाबरी मस्जिद का बदला लेना है, हमको इससे जो कश्मीर के आज हालात है, वहाँ के जो बच्चे बूढ़े सब जो तरस रहे हर एक चीज़ के लिए, हमको उसका बदला लेना है। हमको जो है संजय निरुपम जिसने हमारी हुजूर के शान में गुस्ताखी की है, हमको उसका बदला लेना है। आने वाली 21 तारीख को मैं समझता हूँ तमाम के तमाम मुसलमान और सब मिलकर इंशाल्लाह ये चीज़ का बदला जो है पतंग की निशानी का पतंग दबा कर देंगे। कि आप जानते हैं अंधेरी वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से आरिफ भाई को जो है आसिफ साहब ने यहाँ से टिकट दिया और उनके ऊपर भरोसा जताया। हम जो है MIM के जितने भी यहाँ के पदाधिकारी हैं, हम लोग जो है दिल जान के साथ में आरिफ भाई का साथ दे रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर मैं कॉरपोरेशन लड़ चुका हूँ, ये मेरा एक वार्ड का हिस्सा है। मेरे एक बहुत अरमान थे कि इस वार्ड को जो है मैं पूरी तरीके किस तरीके से बदल दूँ, इस वार्ड के किस तरीके से इस वार्ड के अंदर फिर से लोग जो बदहाली के अंदर रह रहे हो खुशहाली के अंदर फिर से किस तरीके जीने लग जाए, उसकी एक मेरी एक ख्वाहिश थी, लेकिन किसी वजह से मैं चुनकर नहीं आ पाया। नहीं, अल्लाह ने फिर एक मौका दिया आरिफ भाई की शक्ल में हमको। अगर आरिफ भाई इंशाल्लाह यहाँ से जीतेंगे, इस वार्ड के अंदर एक एक काम की जिम्मेदारी आसिफ तनवर यहाँ पर लेता है, इसका आश्वासन देने के लिए आज हम जनता के साथ में आए। इसके अलावा क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप लोग चल रहे हैं यहाँ पर? जो है सबसे बड़ा मुद्दा तो SRA का जो डेवलपमेंट है, अभी तक जितनी भी बिल्डिंग आप यहाँ पर देख रहे हो SRA की, और जितनी भी कमर्शियल बिल्डिंग्स आप देख रहे हो, रेसिडेंशियल बिल्डिंग आप देख रहे हो, किसी को भी OC नहीं मिला है।
और किसी को भी अभी तक जो बालवाड़ी एसआरए की बिल्डिंग में जो होता है, सोसाइटी ऑफिस होती है, वेलफेयर सेंटर होता है, बालवाड़ी होती है, इनका जो कॉर्पस फंड होता है, इनको अभी तक उनके हाथ में नहीं मिला, इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। ये बहुत सारे मुद्दे इस पूरे आप वार्ड के अंदर आप देखोगे, बहुत सारे मुद्दे हैं। उन वार्ड को लेकर के आरिफ भाई जीत के आने के बाद इन सबका हक उनको दिलाना ये हमारी जिम्मेदारी।